सत श्री अकाल जी सारयां नू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अज दी जिहड़ी अपनी वीडियो है जी, अज आपां तुहानू विजिट करावांगे कैनेडा दे विच डेयरी फार्म दा। ते इह जिहड़ा डेयरी फार्म है जी, इह ब्रैम्पटन तों 130 किलोमीटर दूर ब्रैंटफोर्ड एरिया आ, उहदे विच डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म काफ़ी फेमस आ जस्ट बिकॉज ऑफ इहदियां जिहड़ी प्रोडक्शनस ने, फ्रैश वैजीटेबल्स या फ्रैश प्रोडक्ट्स इत्थे मिलदे ने, ते नाल दी नाल फ्रैश मिल्क वी। ड्रोन शॉट तुसी वेख रहे हो, फ्रंट ते इन्हां दा शॉपिंग कॉम्पलैक्स आ, ते बैक साइड ते इन्हां दा डेयरी फार्म है जिथे इन्हां ने लाइक गाइयां रखियां हुई ने। ते इह हुण एंट्रेंस है, आपां चलदे हां जी डेयरी फार्म दे अंदर, ते विखाने आ तुहानूं की प्रोडक्ट्स इत्थे मिलदे ने। मेनली जिहड़े प्रोडक्ट्स ने इत्थे सारे यही ट्राई करते हैं कि फ्रैश प्रोडक्ट्स होण, प्लस लाइक जिवें तुसी अपने वूडन के क्राफ्ट्स बनाए हुंदे ने, किसी ने तुसी अपना पर्स, इन्हां दे डील्स ने उन्हां दे नाल एज आ कमीशन बेस, ये वो प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं जेडे कि एक रूरल एरिया लाइक नेड़े नेड़े दे एरिया दे प्रोडक्ट्स हुंदे ने। आया जी मिल्क काउंटर जिथों आपां दुध भरना आ, किवें सिस्टम आ तुहानूं दसदे हां जी। देखो सारा कुछ लिखिया होया किन्नी फैट आ ते किहड़ी तरीक तक के दुध चल सकता आ। बैक साइड दे दे टैंक लग्या होया आ, क्योंकि कैनेडा दे विच रूल आपां इत्थे कच्चा दुध नहीं वेच सकते, इस करके दुध नूं उबाल के ठंडा करके ही आपां वेच सकते हां। ते 4 लीटर दी कैन आ इह, आपां इत्थों आप भरनी हुंदी है। ते हुण आ जिहड़ा सैक्शन आ जी, इह आ जी सब्जियां दा सैक्शन, वैजीटेबल्स दा। इत्थे नेड़े नेड़े जिहड़े छोटे फार्मर्स ने आपां कह सकते हैं, है ना, लाइक ओ या इन्हां दी अपनी भी प्रोडक्शन हो सकती है, सारियां इत्थे फ्रैश वैजीटेबल्स हुंदियां ने। आ तुसी सारा काउंटर देख सकते हो, सारा की फ्रैश वैजीटेबल्स दा ही हैगा आ। ते हुण आपां चलदे हां इन्हां दे होर प्रोडक्ट्स तुहानूं विखाने हां जी। दुध दी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहिंदी है, सिर्फ तां ही करके क्योंकि फ्रैश मिल्क है ना। ते आपां भी दुध लै लिया, ते हुण आपां फ्रंट ते करना है पे। ए जिहड़ा सैक्शन आ इत्थे जिवें ओरिजिनल शायद जां तुसी चीज़ लै सकते हो, पिज़्ज़ा बेस लै सकते हो, होर भी मील्स ने जिहड़ियां कि फ्रैश बनियां हुंदियां ने, क्योंकि इन्हां दी नाल ही साइड दे विच किचन भी आ। ये ट्राई इन्हां दा यही रहिंदा आ कि हर चीज़ नूं फ्रैश दिता जाए, ते नो डाउट सारियां चीज़ां बहुत वधिया भी ने। डेयरी फार्म काफ़ी फेमस आ लिटल ब्राउन काओ दे नाम तों, तुसी गूगल भी कर सकते हो। ते हुण आपां चलदे हां जी बैक साइड ते। आ वेखो जी ये टैंक आ, मिल्क टैंक जिहड़ा कि पिछों डेयरी फार्म तों लै के आउंदे ने, ते इन्हां दी जिहड़ी पिछे स्टोरेज यूनिट आ उहदे विच लग जांदा, ते इहदी पाइप फ्रंट ते जिहड़ा जिथों आपां दुध भरदे हां उत्थे कनैक्ट हो जांदा आ। हुण आपां चले हां जी बैक साइड ते। बैक साइड ते तुसी मेरे राइट साइड देख रहे हो, वह इन्हां दी प्रोसैसिंग यूनिट आ भी, जिथे लाइक इन्हां दे चीज़ बनती है या दुध नूं उबाला दिता जांदा आ या नॉन वेज कुछ आइटम्स ने, राइट। लैफ्ट हैंड साइड ते सारा डेयरी फार्म आ जी। ते चलो जी हुण असीं तुहानूं विखाने आ फार्म। तुसी फार्म वेख सकते हो, लैफ्ट हैंड साइड ते प्लास्टिक दे छोटे छोटे बॉक्स जे बनाए ने, इन्हां दे विच गाइयां दे लाइक बच्चे बच्चियां ने, है ना, उन्हां नूं लाइक अंदर तूड़ी है, सारा उन्हां दा सिस्टमैटिक वे दे नाल, एक पासे बॉटल, क्योंकि इत्थे विंटर सीजनस भी आउंदे ने, उहदे अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ां नूं अरेंज किया जाता है। गाइयां सेम ही इंडिया वर्गियां ही लगियां, सानू कुछ खास फर्क नहीं लग्या, तुसी वेख ही सकते हो ना जिवें इंडिया दे विच हुंदे ने। फर्क कुछ खास नहीं हैगा, अपने अपने तरीके ने, लाइक इंडिया दे विच अपने तरीके दे नाल आपां अपना सिस्टम बनाने आ, है ना, इत्थे इन्हां दे अपने सिस्टम्स ने।
ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ, ਆਊਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈੱਡ ਸ਼ੈੱਡ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੰਟਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਸੀਗੀ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ।